हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हमने विद्युत आवेश के बारे में बेसिक देखा था। विद्युत आवेश क्या होता है? यदि एक पदार्थ के कारण दूसरा पदार्थ बल का अनुभव करता है तो वहाँ विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेशों में सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, तो कूलाम ने क्या किया? कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है बल, उनके परिमाण को निकालने के लिए एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहा गया। और यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है और गतिशील आवेशों के लिए नहीं। और उन्होंने यह भी कहा कि उनका जो नियम है केवल बिंदु आवेशों के लिए ही होगा। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार उन्होंने दो बिंदु लिया, ए और बी, जहाँ पे Q1 और Q2 दो आवेश लिया। इसमें कोई सा चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव है, ना तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव है। और उन्होंने इस बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी को आर से प्रतिपादित किया। ठीक है, तो कूलाम के नियमानुसार इन दोनों बिंदु पर जो आवेश है उनकी दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की जो दूरी है उसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इन दोनों को हम लोग मिला के लिखते हैं, क्योंकि दोनों में प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम लोग हटा देते हैं अनुक्रमानुपाती को, तो यहाँ पर एक नियतांक के लग जाता है, और जहाँ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के क्या है, नियतांक है। और अगर माध्यम वायु का निर्वात है तो यहाँ पे के का मान होता है 1/4πε0। ठीक है, जहाँ पे ε0 या फिर ε0, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, क्या रिलेट, इसको परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के का मान 1/4πε0 हो जाएगा, तो F=1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही कूलाम का नियम है। ठीक है, जहाँ पे ε0 का मान होता है 8.854×10^12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, 1/4πε0 को। ठीक है, तो 1 पाई की जगह क्या रखें, 4, फिर पाई की जगह 3.14 रखें, फिर ε0 का मान रखें। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9×10^9 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण एक मानेंगे, इसको समीकरण दो, तो 1/4πε0 का मान क्या आया, 9×10^9। तो हम लोग समीकरण दो में क्या है, मान रख देंगे 1/4πε0 की जगह पर 9×10^9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। यही कूलाम का नियम है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या होता है, हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या आया, बल बराबर ये आया। ठीक है, ये कूलाम के नियम से आया, तो यहाँ पे रख दिया। मान लो यदि Q1 Q2 का मान Q है, ठीक है, और यहाँ पे बल है 9×10^9 तथा R 1 मीटर दिया है, यहाँ पे मान लो ऐसा दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, यहाँ पे मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, F के जब 9×10^9, तो यहाँ 9×10^9 हो गया, 9×10^9 इधर रखाएगा, Q1 Q2 के जगह क्या रखाएगा, Q रखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, Q×Q का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q² हो जाएगा, =1 हो गया, तो Q=±1। मीन्स एकांक आवेश वह आवेश होता है जिसमें 1 मीटर की दूरी स्थित हो तथा उस पर यदि 9×10^9 बल आरोपित किया जाए तो वहां पर जो आवेश होगा वह एकांक आवेश कहलाएगा। अब देखते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आवेश लेते हैं, जहाँ पे दो आवेश है Q1 Q2 जो माध्यम वायु या निर्वात है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माध्यम वायु या निर्वात है।
यदि कोई माध्यम ना हो ठीक है, या फिर कोई अलग माध्यम हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माध्यम जो होगा एप्सिलॉन जीरो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे मान लो एफ वन आ गया ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है। तो ये समीकरण एक, समीकरण दो। अब समीकरण एक और समीकरण दो को भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एफ वन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, ये ऐसे पलट जाएगा तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे होता है के, के मीन्स परावैद्युतांक होता है, के इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एफ वन इक्वल टू के होता है ठीक है। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू ही होता है रिलेटिव परमिटिविटी, मीन्स अपेक्षिक विद्युतशीलता यही है। तो चलिए अब कूलाम के नियम से एक क्वेश्चन करते हैं ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3 माइक्रोकूलाम के दो आवेश वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच लगने वाली बल की हम लोग को क्या है गणना करनी है ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग उसमें डायग्राम बनाए थे कूलाम के नियम के लिए, दो बिंदु ए बी लिए थे, तो ए बी अब इसमें बोला है दो आवेश, तो दो आवेश कितना 3 माइक्रोकूलाम का, तो 3 माइक्रोकूलाम का ये हो गया, 3 माइक्रोकूलाम का ये हो गया ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी बोली है 0.15 मीटर ठीक है। तो यहाँ पे क्यू वन और क्यू टू का मान कितना है 3 माइक्रोकूलाम, आर का मान कितना है 0.15 मीटर। हम लोग क्या है जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर तो 9×10^9 क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे ठीक है, तो क्या होगा 9×10^9 3×10^6 अगर माइक्रो में दिए है तो हम लोग उसको 10^6 लिखते हैं ठीक है। अगर मिनी में दिया रहता तो इसको क्या लिखते 10^3, अगर नैनो में दिया रहता तो 10^9 ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे माइक्रो में दिए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3×10^6 हो जाएगा ठीक है। और आर की जगह क्या हो जाएगा 0.15 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3.6 न्यूटन। अगर सॉल्व करना नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, सॉल्व करना बताएंगे ठीक है। अब कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या है, केवल बिंदु आवेश के लिए ही होता है, बिंदु आवेश मीन्स ये एक दो बिंदु के लिए ही काम आएगा ठीक है। ऐसा नहीं कि जिसमें आकर्षण प्रतिकर्षण होता है ऐसे आवेशों के लिए काम नहीं आएगा, मीन्स केवल यह बिंदु आवेशों के लिए ही वर्क करता है ठीक है। और यह केवल स्थिर आवेशों के लिए ही उपयोग में आता है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। थैंक यू।